आज का दिन संपूर्ण भारत के लिए अतीव प्रेरणा का दिवस है। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल 5 महीने 25 दिन, वो छोटी सी अवस्था जब व्यक्ति दुनिया को देश को समझता नहीं सामान्य अवस्था में, उस छोटी अवस्था में भगत सिंह ने पूरे देश को जगा दिया। आज ही के दिन भगत सिंह को फांसी तो 24 मार्च को दी जानी थी, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डरी हुई थी कि उसने 23 मार्च को सारे नियमों को, सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर 23 मार्च की शाम को आज ही के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी। शहीद भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो देश के लिए कष्टों भरा जीवन जीना भी जानते थे, जो देश के लिए दुश्मन की जान लेना भी जानते थे और देश के लिए जरूरत पड़े तो जान देना भी जानते थे। शहीद भगत सिंह को जब फांसी की सजा दी गई तो उसकी फांसी से अंग्रेज सरकार कितनी डरी हुई थी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक दिन पहले फांसी दी और फांसी देने के बाद जेल के मुख्य रास्ते से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की के शरीर, पार्थिव शरीर को नहीं निकाला, जेल के पीछे से दीवार तोड़ी, दीवार तोड़कर बोरों में उनके पार्थिव शरीर को भरा और वहां से कई किलोमीटर दूर ले जाकर फिरोजपुर के रावी नदी के तट पर हुसैनीवाला में वहां पर लाशों के कई टुकड़े किए, कुल्हाड़ियां उसके ऊपर चलाई और उसके बाद मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। शहीद भगत सिंह ने जब अपनी शहादत दी तो उनकी मौत के बाद उनके एक साथी अजय घोष ने कहा कि शहीद भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे धुर उतारे हैं जिन्होंने थोड़े ही समय में, जो बहुत थोड़े समय चमके, लेकिन 23 वर्ष की इस छोटी सी आयु में वो 33 करोड़ लोगों को जगा गए। भगत सिंह को जब शहादत दी गई तो 23 मार्च के बाद जब 24 मार्च को लोगों को पता लगा तो 24 मार्च को करोड़ों लोग देश की सड़कों पर उतर पड़े। लाखों लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए, लाखों लोगों ने अपने रक्त से हस्ताक्षर किए, अंग्रेज सरकार की निंदा की। और भगत सिंह की फांसी से पहले जब उनके बचाने की बात थी तो भगत सिंह का प्रभाव देखिए, देश कैसे खड़ा हुआ था कि भारत के लोगों के साथ साथ इंग्लैंड की, अंग्रेजों की जो हम पर शासन करते थे, उनकी लेबर पार्टी के सांसदों ने भी भारत के लॉर्ड इरविन को कहा कि भगत सिंह की फांसी को माफ कर दिया जाए। फांसी के समय, आज शहादत दिवस है, भगत सिंह ने फांसी किस हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा उसकी बात करेंगे। फांसी के समय जब शाम को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को स्नान करके फांसी के फंदे की ओर ले जाया जा रहा था तो जैसा फांसी का नियम होता है कि फांसी के समय कोई ना कोई मजिस्ट्रेट उपस्थित रहता है, तो जो जिस अंग्रेज मजिस्ट्रेट की ड्यूटी थी, जब भगत सिंह उसके पास से निकले तो भगत सिंह ने मुस्कुराकर उस अंग्रेज मजिस्ट्रेट से कहा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आज आप देखेंगे कि भारत माता के लाडले, भारत के वीर कैसे हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हैं। भगत सिंह को जब फांसी दी गई, जय जयकार हम अंत में एक बार करेंगे, शहीदों को स्मरण करेंगे। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो उस जेल में ऑफिसर तो अंग्रेज था लेकिन जो चीफ वार्डर था वो चतर सिंह नाम का एक सिख भाई था। उस चतर सिंह नाम के सिख भाई जो जेल में फांसी दी गई तो उसका चश्मदीद गवाह था, तो फांसी के बाद उसने बताया कि भगत सिंह जब फांसी के लिए गए तो बहुत हंसते हंसते जा रहे थे। मैंने अपने 30 साल के जेल के जीवन में सैकड़ों खूंखार व्यक्तियों को, डाकुओं को, भयंकर से भयंकर व्यक्तियों को फांसी के फंदे पर लटकते देखा है, लेकिन जिस दिलेरी और बहादुरी से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी के फंदे पर चढ़े हैं, ऐसा ना कभी देखा था ना कभी सोचा था। और जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई, 23 मार्च की शाम को दी गई, 24 मार्च को अखबार में वो खबर नहीं आ सकी, 25 मार्च को जब खबर छपी तो उस समय आप पुरानी फिल्मों में भी देखते हैं कि एक तरीका होता था
शहर की गलियों में जब होकर अखबार बेचने वाले अखबार बेचते थे तो वो कोई मुख्य खबर आती है तो उस खबर का नाम लेते थे कि आज अखबार में ये खबर है, ये खबर पढ़िए। तो उस समय जो अखबार बेचने वाले जितने लोग थे वो मुंबई की सड़कों पर, लाहौर की सड़कों पर, पूरे देश के शहरों में रो रो कर अखबार बेचने के लिए आवाज लगा रहे थे कि आज भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। रोज तो वो जो आवाज लगाते थे वो पेट के लिए लगाते थे, लेकिन उस दिन रो रो कर जो उनकी आवाज निकलती थी वो भी देश के लिए आवाज निकल रही थी। भगत सिंह की फांसी वाले दिन शायद ही कोई पंजाब का ऐसा घर था जिसमें चूल्हा जला हो।